हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नाहिदा ज़ुबैर एकेडमी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। देखना है कि कौन सी झील किस राज्य में है, उसकी क्या खासियत है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, या रामसर सूची में शामिल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बेम्बानद झील। बेम्बानद झील आपका केरल राज्य में स्थित है। इसकी जो लंबाई है 96 किलोमीटर है और चौड़ाई 14.48 किलोमीटर है। ये एक लैगून झील है। राज्य का नाम है केरल। राज्य कौन सा हो गया? केरल राज्य में है। ये रामसर सूची में शामिल है। चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में, ये भी रामसर सूची में शामिल है। ये महानदी के मुहाने पर है। राज्य हो गया आपका उड़ीसा। उड़ीसा, अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर सूची में शामिल है तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, ये रामसर सूची में शामिल है। ये झील आपका झींगा मछली के लिए काफ़ी फेमस है। थर्ड पे मैंने लिखा है उलर झील। उलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। आपका ये झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, झेलम नदी पर है और आपका रामसर सूची में शामिल है। डल झील, डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। श्रीनगर में डल झील है। पेरियार, पेरियार एक प्राकृतिक नहीं कृत्रिम झील है, जो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में है और कृत्रिम है। पुलिकट झील, पुलिकट झील आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। ये आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। आंध्र प्रदेश के सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। लोकटक झील, लोकटक झील आपका मणिपुर में है। इस झील के ऊपर एक नेशनल पार्क जिसका नाम है क्यों लामजाओ। कहाँ पे है? मणिपुर में है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों लामजाओ पार्क कहाँ पे है, तो आप समझ गए कहाँ पे है, लोकटक झील पर है जो मणिपुर में है। कोलेरू झील, कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में, यह रामसर सूची में शामिल है। आपका लोकटक पार्क भी, लोकटक झील भी आपका रामसर सूची में शामिल है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में और रामसर सूची में शामिल है। रेणुका, रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपका ये भी आपका रामसर सूची में शामिल है। रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में और आपका रामसर सूची में ये शामिल है। उसके नीचे मैंने लिखा है हुसैन सागर, उस्मान सागर। ये आपका कृत्रिम झील है और हैदराबाद में है। हैदराबाद शहर को इसी झील से पानी प्राप्त होती है। हैदराबाद में है। उसके बाद मैंने लिखा है सांबर झील। सांबर झील आपका राजस्थान में है। ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। कहाँ पे है? राजस्थान। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। पुष्कर झील, पुष्कर झील आपका जयपुर के आसपास है। ये भी एक कृत्रिम झील है। कहाँ पे है? राजस्थान और कृत्रिम झील है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा कृत्रिम है, कौन सा प्राकृतिक है। नक्की झील, नक्की झील भी आपका राजस्थान में है। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील के बारे में बताया जाए, ये रहस्यमय का झील कहा जाता है। ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, इसको हिम झील के नाम से भी जाना जाते हैं। हिम झील कि बर्फ से ढकी रहती है। फुलहर झील, फुलहर झील आपका यूपी के पीलीभीत जिला में है। यहीं से गोमती नदी निकलती है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि गोमती जो नदी है वो किस झील से निकलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए फुलहर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। कौन से जिला में? पीलीभीत में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। अष्टामुड़ी, अष्टामुड़ी झील आपका केरल राज्य में है, जो रामसर सूची में शामिल है। अष्टामुड़ी केरल में है और ये रामसर सूची में शामिल है। लोनार झील, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, वो आपका लोनार झील है। 16वें नंबर पे मैंने लिखा है घेपन झील। घेपन झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। और आखिर में मैंने चंदूबी, चापनाला, हाफलांग, ये तीन झील लिखा है। ये तीनों झील आपका असम में पड़ता है। इस तरह मैंने मुख्य भारत के मुख्य झीलों के बारे में चर्चा कर लिया। ये किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में।
ये किसी न किसी जनरल कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं जलप्रपात को लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्गावती जलप्रपात की। दुर्गावती जल जो जलप्रपात है किस नदी पर है, किस जिला में है? तो दुर्गावती नदी पर ही दुर्गावती जलप्रपात है। कौन सी नदी पर? दुर्गावती, दुर्गावती नदी का नाम हो गया दुर्गावती। दुर्गावती दरअसल में कर्मनाशा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कर्मनाशा की। जिला कौन सा है? रोहतास, रोहतास। सुखलदरी की बात करते हैं। सुखलदरी आपका कन्हर नदी पे जो सोन की सहायक नदी है। जिला कौन सा हो गया? रोहतास। सुखलदरी किस नदी पे है? कन्हर। ये किसकी सहायक नदी है? सोन की। ये सोन की सहायक नदी है। जिला आपका हो गया रोहतास, रोहतास। हम बात कर लेते हैं धुआंकुंड। धुआंकुंड आपका काब नदी पर है। कौन नदी पर है? काब नदी पर। यह कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। किस जिला में है? रोहतास में है, रोहतास जिला में है। ककोलत, ककोलत झील काफ़ी पॉपुलर है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका नवादा जिला में है। इसका जो जल का स्रोत है वो आपका कोडरमा पठार से इसको पानी मिलती है। तो इसका जल का स्रोत क्या हो गया? कोडरमा पठार, कोडरमा पठार जो झारखंड में है। ये कौन सा जिला में है? आपका नवादा में है। झारखंड, झारखंड की बात कर लेते हैं। ये आपका फुलवरिया नदी में है। भोजपुर में एक झारखंड स्थान है, वहीं पे ये स्थित है। नदी आपका कौन सा हो गया? फुलवरिया, फुलवरिया। स्थान कौन सा है? झारखंड। कौन सा जिला में है? भोजपुर, झारखंड जिला भोजपुर। खोआ, खोआ ख्वारिदा की बात करते हैं। ये आपका असाने नदी पे है। ख्वारिदा आपका असाने नदी पर है, असाने नदी पे। जिला कौन सा हो गया? रोहतास। राकिम कुंड, राकिम कुंड आपका गायघाट स्थान पे है, लेकिन जिला कौन सा है? रोहतास। राकिम कुंड आपका गायघाट स्थान पे है, जिला आपका हो गया रोहतास। हम बात कर लेते हैं ओखारी कुंड। ओखारी कुंड आपका गौपत नदी पर है। ये भी आपका रोहतास जिला में ही है, गौपत। ये बिहार की छोटी छोटी नदियां हैं। जिला आपका हो गया रोहतास। हम बात कर लेते हैं सोआरा जलप्रपात के। सोआरा जलप्रपात आपका पूर्वी सोआरा में है, लेकिन जिला आपका रोहतास ही हो गया, पूर्वी सोआरा। ये नदी है पूर्वी सोआरा। जिला आपका हो गया रोहतास। तेलहर कुंड की बात कर लेते हैं। ये भी आपका सोआरा नदी पर है, लेकिन पूर्वी नहीं है, आपका पश्चिमी सोआरा पे है। जिला हो गया आपका रोहतास। हम बात कर लेते हैं देवदारी। देवदारी आपका कर्मनाशा नदी पर है। जिला आपका रोहतास ही हो गया, कर्मनाशा। कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। जिला कौन सा हो गया? रोहतास। आप देखेंगे एक से लेकर 11 नंबर तक लगभग सारे जलप्रपात आपका कौन से जिला में? रोहतास में है। सिर्फ दो को छोड़कर एक आपका नवादा हो गया, आपका ककोला जलप्रपात हो गया नवादा जिला में। एक आपका झारखंड जलप्रपात हो गया आपका भोजपुर जिला में। उसके अलावा सारे जलप्रपात लगभग आपका रोहतास जिला में ही है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।